साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, मैं इंदिरा रसोई की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज इंदिरा रसोई पर डिस्कॉम के अधिकारी यहां भोजन करने के लिए आए हैं सभी, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। बाजरी की रोटी के साथ देसी सब्जी है, आज ग्वार फली और काचर की सब्जी है, और स्टार्ट बाजरी की रोटी को घी से शुरू किया है इन्होंने। तो ये तस्वीरें इंदिरा रसोई की दिखा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है बाड़मेर शहर के अंदर, जो डिस्कॉम के एसी है जो अजय माथुर, वो उनके पूरी टीम के साथ यहाँ इंदिरा रसोई में भोजन करने के लिए आए हैं। तो ये तस्वीरें आप इंदिरा रसोई की देख रहे हो। इंदिरा रसोई में डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी सभी बैठे हैं, इन्होंने भोजन की शुरुआत की है इंदिरा रसोई में, देख लो। इसको लेकर अपन बात करेंगे, डिस्कॉम के अधिकारी है जो एसी साहब यहाँ है भोजन कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर आज पूरी टीम के साथ यहाँ भोजन करने का आनंद ले रहे हो, आज क्या हुआ एकदम ऐसा? आज हमें लगा कि जो सरकार की योजना चल रही है उस योजना का अवलोकन भी हो जाएगा, सभी अधिकारी इससे रूबरू होंगे कि सरकार की योजना कितनी अच्छी चल रही है। हमने सभी ने सोचा कि एक साथ भोजन भी करेंगे वहाँ इंदिरा रसोई में, और वाकई भोजन करने के बाद हमें लगा कि बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था सरकार की इस योजना में उपलब्ध है। और ये जो भी उपभोग मतलब गरीब या भोजन करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है सरकार। तो सर आज आपको भोजन में क्या मिला है? भोजन में हमको आज बाजरे की रोटी और देसी फली और काचरे की सब्जी है, कड़ी की सब्जी है, जो बहुत ही उत्तम बनी है, स्वादिष्ट बनी है, बिल्कुल साफ सुथरा और हाइजीनिक फूड है। ठीक है, ये डिस्कॉम के एसी है अजय माथुर, इन्होंने जो बताया है कि देसी घी के साथ बाजरे की रोटी है यहाँ पर। आज सभी डिस्कॉम के अधिकारी और कर्मचारी आज इंदिरा रसोई में अब भोजन ले रहे हैं। बात भी हुई है अजय माथुर साहब से जो एसी है, और अपन कर्मचारियों से भी बात करते हैं। सर आज इंदिरा रसोई में भोजन करने का आप आज कैसा लग रहा है? भोजन बिल्कुल मारवाड़ का जैसे भोजन है, बाजरे का सोगरा और ग्वार और ग्वार काचरे और ग्वार फली की बढ़िया सब्जी बनी हुई है। अपने मारवाड़ के परिवेश के अनुसार बहुत अच्छा भोजन है, देसी भोजन है। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका, और आज इंदिरा रसोई में भोजन कर रहे हो, डिस्कॉम के सभी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ भोजन ले रहे हैं? मेरा नाम उम्मेदाराम चौधरी है, मैं साई गोविंदा बुद्धिगर में रामसर हूँ। आज हमारे मीटिंग थी यहाँ, और मीटिंग के लंच के दौरान हमारे अध्यक्ष अभियंदा जी महोदय जी ने ये फरमाया कि आज अपन इंदिरा आवास में जाकर लंच करेंगे, तो हम सभी कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग यहाँ आकर लंच कर रहे हैं। और ये अपने बाड़मेर की मरुद्रा का देसी खान पान और शुद्धता, जो दूसरी सब्जियाँ और आटे में मिलावट आती है, देसी राजस्थान की बाजरी और सब्जी काचर गार फली, जो अभी बारिश की मौसम के अंदर अच्छी पौष्टिक तत्व है, और इस पौष्टिक तत्व का ऐसा आहार जो होटलों के अंदर यदि खाते हैं तो वहाँ इसकी कीमत 200 से 300 रुपए तक की होती है, और यही हमें यहाँ बहुत ही सस्ता सुंदर और सरकार की योजना के तहत जो हो रहा है, ये आम आदमी गरीब मजदूर जो बस स्टैंड के पास में अप्रोचेबल है, वो हर आदमी यहाँ बस स्टैंड उतर के यहाँ पहुँच सकता है। बहुत अच्छी जगह पे ये इस लोकेशन है, और ये बहुत अच्छा खाना है। सभी सुनने वालों से मैं अनुरोध करूँगा एक बार अवश्य यहाँ आकर खाना खाएं, आप यहाँ बार बार आकर खाओगे। धन्यवाद सर।
तो ये तस्वीरें साथी इंदिरा रसोई की है, तो धन्यवाद, एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को, ताकि ये पोस्ट अधिकारियों तक पहुँचे, सभी तक पहुँचे। इंदिरा रसोई में इन्होंने कहा है कि एक बार आकर भोजन जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता। एक सर्टिफिकेट बनेगा, एक मिनट, सर्टिफिकेट बन रहा है, एक मिनट है। ठीक है, ओके। पहली बार बाजरे की रोटी बन रही है। Thank you.